वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे इमली और गुड़ की चटनी। मीठी खट्टी मीठी चटनी है और ये बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको दही बड़े के साथ में, छोले के साथ में, पकौड़े के साथ में, किसी के साथ में भी सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़े की लगती है। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इमली और गुड़ की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इमली ली है। इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया, एकदम नॉर्मल पानी में, और ये अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको मसल लेंगे जिससे इसका पल्प निकल जाए। देखिए इस तरह से हमें मसल लेना है क्योंकि इसके अंदर इसके बीज भी हैं। तो इसको हम अच्छे से इसको मसल लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ जो है वो अच्छे से वॉश हों। ये देखिए सारी इमली को हमने ऐसे मसल मसल के निकाल लिया है। अब हम इसको ऐसे निचोड़ लेंगे हाथ से। देखिए इसको ऐसे निचोड़ के हम इसको दूसरे पर बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और ये देखिए सारे इमली को मैंने अच्छे से निचोड़ करने के बाद में निकाल लिया है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सारा पल्प लगा हुआ है गूदा। तो इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे एक बार और हम अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे इसमें जो भी पल्प लगा हुआ हो वो सारा निकल गया है। और जब मैंने इमली को भिगोया था तो मैंने इसको 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद में मैंने इसे भिगोया था। और ये देखिए और जो भी इसमें पल्प लगा हुआ था वो सारा इसमें निकल ही आया है। अब इसको हम फिर इसको निचोड़ लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि दोबारा भी इसमें काफ़ी सारा गूदा निकल गया है। अब इसको हमें छानना है। देखिए इसको छानने के लिए मैंने नीचे एक गोल रख लिया, उसके ऊपर ऐसी छन्नी रख ली है। अब जितना भी गूदा हमने निकाला है इसका, ये सब इसमें हम छान लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हिला हिला के हम सारा गूदा निकाल लेंगे इसका। और देखिए सब छानने के बाद में इसका ये मोटा मोटा इसका जो ये पार्टिकल बच गए हैं इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इस तरह से इमली का पल्प बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए अब चटनी को तैयार करने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख लिया है और इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ की क्वांटिटी इमली की क्वांटिटी से जो है डबल लेनी चाहिए। जैसे हमने 250 ग्राम इमली ली है तो हमें 500 ग्राम गुड़ लेना है। लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो आधा गुड़ और आधी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें टोटली गुड़ से बनाएंगे तो उसका टेस्ट ही और अच्छा अलग होता है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब इसको इसको लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट करना है। फ्लेम को हमने हाई पर कर रखा है और देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब इसमें हम इमली का पल्प मिला देंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ पाउडर मसाले मिला देंगे, जिसमें मैंने भुना कुटा जीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, यहाँ पर नमक लिया है मैंने, काला नमक है, और ये जिंजर पाउडर लिया है जिसे हम लोग सौंठ भी बोलते हैं। इन सबको हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। देखिए सब चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे। और देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक ये थोड़ी ऐसा चटनी हमारी थिक नहीं हो जाती। और देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम ये बीज मिला देंगे जिसे हम मेलन सीड्स भी बोलते हैं, यानी कि खरबूजे के बीज। और देखिए ये बीज डालने के बाद में इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे। और ये देखिए चटनी हमारी बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। ये कितनी थिक भी थोड़ी सी हो गई है और अच्छे से पक भी गई है, कलर इसमें कितना अच्छा आया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में थोड़ी गाढ़ी और होगी। और ये देखिए इमली की चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ज़्यादा ठंडी अभी नहीं हुई है। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी एकदम रूम टेम्परेचर पर, तो इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूंगी और ये तकरीबन 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होती। क्योंकि अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उसमें इस चटनी का बहुत सा यूज़ होता है। आप इसको दही बड़े में, छोले में, किसी में भी के भी चीज़ में के साथ में सर्व कीजिए, उस चीज़ का मज़ा दुगना हो जाता है। वैसे तो मैं खजूर की चटनी की जो है और इंस्टेंट चटनी की
रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ये दोनों चटनियों की, और ये चटनी भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इन चटनियों में से जो भी आपको खट्टी मीठी चटनी पसंद हो, इमली की या खजूर की या इंस्टेंट चटनी जो कि आमचूर की मैंने बनाई थी वो वाली भी, तो आप इस मेरे को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।